केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जम्मू कश्मीर संशोधित बिल पास होने पर कहा है कि हम राज्यसभा में भी इस बिल को पास करवा लेंगे। साथ ही कहा कि इसको लेकर विपक्ष ने विरोध तो किया लेकिन कई लोगों ने साथ भी दिया। वहीं पीएम मोदी के विदेश दौरे पर बोले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की छवि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से इजाफा हुआ है। हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी से प्रहलाद जोशी ने खास बातचीत की। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी, इनसे बात करते हैं। जम्मू कश्मीर संशोधित बिल लोकसभा में पास हो गया है लेकिन अगर राज्यसभा की बात करें तो क्या आप लोगों के पास नंबर्स हैं? देखिए, मैं समझता हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और ऐसा तो लोकसभा में कोई ने इसके लिए विरोध नहीं किया है। जो लोकसभा में कांग्रेस पार्टी से लेकर सब पार्टी जब समर्थन किया है, एक सदन में एक स्टैंड और दूसरी सदन में एक स्टैंड होता है, ऐसे नहीं मानता हूँ। मैं समझता हूँ ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, राष्ट्रपति का शासन बढ़ाना ही है, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग चुनाव करने का कोई टाइम टेबल वगैरह नहीं तैयार किए हुए, इसीलिए और उधर का परिस्थिति का अंदाज़ा लगाते हुए इलेक्शन कमीशन ने एक निर्णय लिया है। अभी विधानसभा का चुनाव अभी इस साल में ए महीने में और बिफोर 2 सेकेंड ऑफ जुलाई, वो तो उन्होंने निर्णय नहीं लिया है। जब उन्होंने निर्णय नहीं लिया है, ये दोनों सदन में पारित करना एक संविधान का अनिवार्य, संविधान के अनुसार अनिवार्य है। इसके कारण कांग्रेस पार्टी के सहित सब पार्टी लोकसभा में हमको समर्थन दिया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। वही स्टैंड लेते हुए मुझे लगता है राज्यसभा में पारित हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखते हैं। इसके अलावा अगर लोकसभा की बात करें तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर मसले पर जिस तरीके से लगातार विवाद है और काफी पुराना समस्या है उसको लेकर नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराया, कांग्रेस पार्टी ने इस पर काफी आपत्ति जताई। उसमें आपत्ति जताने का इतिहास इतिहास है, फैक्ट ए फैक्ट है। 370 कश्मीर के अलावा किसको, किस प्रदेश को उस टाइम में दिया गया? एंड बेसिक प्रॉब्लम इज 370 इज द प्रॉब्लम, दिस इज वॉट मान्य अमित शाह जी हैज टोल्ड। आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग। एंड उन्होंने भी बहुत ऐसे हमने वो किया वो किया, उन्होंने भी इतिहास निकाला। अगर हम ये नहीं चाहते थे, मान्य अमित शाह जी भी भाषण के शुरुआत में भी उन्होंने कहा कि हमको इतिहास के पूरे पन्ने पन्ने पे जाने की मेरा जरूरत नहीं था, मेरा इच्छा भी नहीं था, लेकिन जो कांग्रेस का प्रवक्ता थे उन्होंने इसके सब इतिहास के और कांग्रेस और कांग्रेस के और मित्र पक्ष जब इतिहास और जो जो हुआ है आप जो आजकल में जो क्या हुआ है वो कैसे टेररिज्म को निपटाया था, ये सब बात करने से ये सब बोलना पड़ा। आखिरी ये सवाल, तो अल्टीमेटली डिस्कशन है, डिस्कशन में हमको जो चाहते हैं हम बोला है, उनको जो चाहते हैं वो बोला है, लेकिन अल्टीमेटली व्हेन वोटिंग कम्स इट इज डिसाइडेड ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। स्कोरिंग ऑफ द पॉइंट इन द डिबेट इज नॉट द इशू, इशू इज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड हमारा जो कर्तव्य है वो कैसे निभाने का, ये प्रश्न है। बाकी तो हम वो भी ऐसे बोले हम भी ऐसे बोलते हैं, हमारा स्टैंड हमको है उनका स्टैंड उनको है, लेकिन अल्टीमेटली वी हैव टू सी दैट देर शुड नॉट बी एनी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। इसके अलावा प्रधानमंत्री विदेश में है, जापान के ओसाका में लगातार जो मीटिंग का दौर है वो जारी है, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से विदेश में है हिंदुस्तान की जो छवि है खासतौर पर विश्व पटल पे उसमें बढ़ोतरी हुई है? नहीं, मैं जब से प्रधान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, हमारे डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी के कारण और प्रधानमंत्री जी के सक्रियता के कारण हमारे विश्व पर हमारा इमेज बहुत बढ़ रहा है। इट इज़ एक्सपांडिंग एंड इट इज़ इंक्रीजिंग। एंड ये G20 में जो जापान में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी है, उधर भी जो विश्व स्तरीय नेता है उन्होंने भारत के और भारत के प्रधानमंत्री को बहुत इज्जत से बातचीत कर रहे हैं, और जो हमारा स्टैंड है उसके लिए, वो स्टैंड के लिए बहुत हमको सपोर्ट भी मिल रहा है। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी सक्रिय, प्रधानमंत्री जी का स्ट्रेटजी और प्रधानमंत्री जी का जो बहुत इसमें परिश्रम करके और इन्फॉर्मेशन लेके जो अभी उन्होंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स हैंडल कर रहे, इसका भी एक सबूत है।
वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन गौरव के साथ ममता चतुर्वेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।